गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है नया टॉपिक शुरू करें, नहीं वही पुराना जो है इंटीग्रल कैलकुलस का डेफिनेट इंटीग्रल को कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के को जैसे कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मानते हैं एक्स बराबर ए टेन थीटा, x बराबर a tan थीटा और a cot थीटा, इसे क्या मानते हैं a और a cot थीटा। अब a square minus x square है, x बराबर a sin थीटा a cos थीटा अगर गिवन में है, if x is equal to a x square minus a square, x is equal to a sec theta cosec theta, x is equal to a sec theta into cosec theta, a minus x upon a plus x, a minus x upon a plus x, or is equal to x is equal to a cos 2 theta, a cos 2 theta, x minus alpha बीटा माइनस एक्स, और या एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये क्या प्रूव है, इसमें मानते हैं एक्स इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर ये मान लेते हैं। अगर कहीं ये दिया हो, इसमें फंक्शन दिया हो, ये एक्सप्रेशन दिया हो, तो इसमें हम जो है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, नहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स बराबर ए टेन थीटा और ए कोट थीटा, ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए कोट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा कोसेक थीटा, a माइनस अपॉन x अपॉन a प्लस x में x इज इक्वल टू a cos थीटा, और x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस x में क्या करते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, या x इज इक्वल टू cos अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा। इस तरह हम जो है एलिमिनेट कर लेते हैं इसको, इसका एक्सप्रेशन को खोल लेते हैं, इस तरह वैल्यूम जो है पुट कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका इंटीग्रल निकालना है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हियर वी हैव पुट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, यानी देखो इसमें कौन से मान रहा है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए sec स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, इधर क्या आ गया ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बाहर आ जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए क्यूब सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ए स्क्वायर से ए क्यूब क्या गया 1 अपॉन ए सेक थीटा डी थीटा, वन अपॉन ए क्या गया 1 अपॉन ए कोस थीटा, या 1 अपॉन ए क्या गया 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा के क्या आ गया माइनस 1 अपॉन ए क्या जाएगा ये माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा प्लस के सी, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या गिवन क्या है टेन थीटा,
तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टेन थीटा। इसकी इसके राइट ट्राइंगल बना लूंगा मैं, ए तो ये रहा, एक्स तो ये रहा है, ए ये रहा, तो ए स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर, एक्स टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि माइनस वन अपॉन ए एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, देखो वही आ गया एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा प्रूव कर दिया, पुट कर दिया तो डी एक्स इज सेक स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कर दूंगा तो ये आ गया, तो वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा का वन अपॉन ए कॉस थीटा का माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा, एक्स टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया एक्स अपॉन ए, एक्स ये आ गया ए आ गया, तो टेन थीटा साइन थीटा क्या आ गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया एक्स ये आ गया, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं बात, अगर एक और फॉर्म है, फॉर्म क्या होती है, अगर एक और फॉर्म आ जाए अगर क्या आ जाइए बाई चांस डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, इसका इंटीग्रेशन आ जाए क्वाड्रेटिक का, इसका किसका इंटीग्रेशन आ जाए क्वाड्रेटिक का, क्या फॉर्मूला रहता है डी एक्स अपॉन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, क्या रहेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, डी एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, क्या रहेगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के सी, इसका जो है डिफरेंशियल है ये डायरेक्ट भी याद कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स, वैसे तो इसमें एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा भी हम प्रूफ पुट करके कर देंगे, लेकिन याद करना डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी भी आ जाएगा, ठीक है आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल ये e की पावर x
e की पावर x अपॉन e की पावर 4 माइनस e की पावर 2x, 4 माइनस e की पावर 2x का ये रूट अपॉन इंटीग्रेशन ही है। अब इसको क्या कर लिया मैंने, e की पावर x अपॉन 4 माइनस e की पावर x का स्क्वायर। e पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई e की पावर 2x, लेट e की पावर x इक्वल टू t, लेट इसको क्या मान ले, लेट e की पावर x इक्वल टू t, लेट e की पावर x इक्वल टू t, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt, क्या रहेगा ये dt अपॉन dt अपॉन 4 माइनस टी का स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है, ये डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए साइन ए स्क्वायर माइनस साइन 1 अपॉन ए साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, नहीं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स टी अपॉन टू प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है ई की पावर एक्स, तो साइन इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन टू प्लस सी, दैट इज सोल्व, ठीक है साइन इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन टू प्लस के सी, ठीक है। अब अगर ये फॉर्म हो कहीं पी एक्स प्लस क्यू बी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी योर कोई क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन निकालना है क्या, पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इस फॉर्म में क्या गिवन है, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी हैव राइट पी एक्स प्लस क्यू पी एक्स प्लस क्यू राइट इन द लैम्डा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू और पी एक्स प्लस क्यू और पी एक्स प्लस क्यू और लैम्डा टू ए एक्स प्लस बी प्लस की म्यू, दैट इज इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी या लैम्डा टू ए एक्स प्लस बी प्लस की म्यू, इस फॉर्म में हमको लिख लेते हैं अगर इस फॉर्म में कोई भी यह हो, यानी कि जो पी एक्स प्लस क्यू को इस डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके जो इसका नीचे डेरिवेटिव है ऊपर इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स प्लस एक्स, क्या क्वेश्चन है ये
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या है इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इस तरह किस तरह कर सकते हैं इसको, इस तरह कर सकते हैं 1 प्लस एक्स इसे अलग करते हैं अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ठीक। इसको क्या है 1 प्लस एक्स को अलग कर ले, न्यूमिनेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। अब जो ये रूट 1 प्लस एक्स है इसको जो है ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, रूट 1 प्लस एक्स की न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस है रूट एक्स इंटू एक्स रूट एक्स, तो रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स इंटू एक्स रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स, क्या जाएगा रूट एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, या एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इट मीन्स वी हैव दैट द डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब इसका डेरिवेटिव मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, देखो जब टी मान लूंगा क्या मान लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी मान लूंगा तो जगह 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इट वी हैव टू दिस वैल्यू एट 2x, इट वी हैव टू वैल्यू इन 2x, फॉर 2x वी हैव इनटू अलग अलग यूनिट अलग अलग कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा, अच्छा इसको 2x प्लस 1 बना लो पहले यार, इसको ये ना करो इसको पहले क्या बना लो इसको 2x प्लस ये है ना, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x, इसके क्या बना देगा 1 बाई 2 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 ये आ जाएगा, तो ठीक है ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1 बाई 2 1 बाई 2 2x प्लस 1 1 बाई 2, इसका डेरिवेटिव बना लिया जैसे व्यू करा था 1 बाई 2 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव, और फिर इसका डेरिवेटिव फिर क्या है प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, इसका क्या आ गया 1 बाई 2। अब देखो जब इसको t मान लूंगा तो इसका ये t रखा तो ये dx इक्वल टू dt, ये इंटीग्रेशन है, ये आ जाएगा 1 बाई 2 रूट टी, क्या आ जाएगा 1 बाई 2 रूट टी डी टी, क्या आएगा 1 बाई 2 ये क्या आएगा 1 बाई 2, इसको फॉर्मूले बना दिया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4,
ये आ गया 1/2 रूट पी, 1/2 रूट पी, ये क्या आ गया टी की पावर हाफ, और ऊपर जाएगा टी की पावर हाफ वन हाफ, तो क्या गया रूट टी, इसके डिफरेंशिएशन का रूट टी, ये गया 1/(x²-a²), क्या आएगा 1/(x²-a²), 1/2 log x प्लस बाई टू, 1/2 log x प्लस हाफ, 1/2 log x प्लस हाफ प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या आ गया रूट एक्स प्लस हाफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेयर टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाफ रूट, क्या आ गया हाफ रूट, हाफ रूट लोग एक्स एक्स प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया 1/2 रूट एक्स हाफ प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय थ्योरम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है, लेट यू एंड यू वी डी एक्स आर टू नंबर, लेट यू वी डी एक्स आर नंबर, यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, u is equal to integration of v dx minus integration of differential of du dx, first ka differential and phir again integration of v dx, integration of v dx यानी कि फर्स्ट फंक्शन है फिर थी सेकेंडरी डिफरेंशियल, फिर जो है फर्स्ट का डिफरेंशियल एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, ये जगह ये आ जाएगा, ये आता है रूट ऑफ फॉर्मूला। अच्छा इस कुछ केस हैं ये नोट क्या है, कुछ नोट नोट हैं, क्या है नोट हैं, क्या है नोट, इफ देयर आर इंटीग्रेबल फंक्शन जेट इज लॉग एक्स, लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, इस तरह के फंक्शन है, इस तरह के कैसे फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसको जहां भी ये देंगे अगर ये गिवन है वी टेक इट्स द फर्स्ट फंक्शन, वी टेक इट्स फर्स्ट फंक्शन, अगर ये दिए हैं इस तरह के तो इस तरह के वो फंक्शन को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं।
if there is no function, if there is no function other than unity, if there is no function other than unity, if there is no other function, then unity will be other function. क्या है, अगर अगर एक फंक्शन दे रखा है उसमें कोई दूसरा फंक्शन नहीं है तो उसको मल्टीपल क्या है वन से करके दो वन को दूसरा फंक्शन हम मान लेंगे। अगर दोनों सेम फंक्शन हो, इफ वी आर द सेम फंक्शन, इफ बोथ फंक्शन आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल, इफ बोथ फंक्शन आर इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल मींस लॉग एक्स रूट एक्स साइन इनवर्स एक्स कोन इनवर्स tan inverse x such that type are yani integral sign is easily integrable, integral sign will be integrable, that we function easily, that derivative that the integral part will be to the that the derivative of the function will be get in the integral, ये ऐसे function हुआ था जिसका differential integral के अंदर आता हो, इस तरह का function को easily मान सकते हैं। फिर है क्या है, फॉर एग्जाम्पल ही देखो, जैसे इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझको, किसका इंटीग्रेशन निकालना है साइन इनवर्स x, जैसे मुझको इंटीग्रल निकालना है साइन इनवर्स x, वी हैव कैलकुलेट the integral, the definite integral of sin inverse x. Here we have to the only step, which means let sin inverse x is equal to t, x is equal to sin t, so dx is equal to cos t dt. It means t cos t. इसमें इस तरह मान लिया जो differential इसका eliminate हो जाए, इस तरह function मानते हैं t cos t, क्या आएगा t cos t as it is, first तो मान लिया function मान लेंगे और second ये function t cos t का integral minus differential of dt minus integration of cos t, cos t का क्या होता है माइनस साइन t, तो माइनस t साइन t नहीं प्लस के t साइन t माइनस वन इंटीग्रल हो cos t का साइन t, साइन t फिर अगेन इंटीग्रल इज माइनस वन cos t, इज माइनस वन माइनस cos t,
क्या है sin t का कहना क्या आएगा माइनस cos t, और माइनस माइनस प्लस t, तो क्या है t sin t प्लस cos, इसका वन आ जाएगा, वन के इंटीग्रल, वन का डिफरेंट मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा t, हेयर t इज इक्वल टू sin इनवर्स x, क्या आएगा sin इनवर्स x sin sin इनवर्स x प्लस cos प्लस t, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स चलेगा, क्या होगा x साइन इनवर्स x प्लस कोस साइन इनवर्स x या कोस t का वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, इसे सीधी मान लो cos t की वैल्यू क्या जाएगी, x is equal to sin t is implies that cos t is equal to 1 minus sin square t या 1 minus ये क्या आएगा 1 minus x square plus c, ठीक है भाई। अब अगला फंक्शन पढ़ लेते हैं, इफ एफ एक्स इज ए क्या है क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन इफ एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन of nth degree, of nth degree, fx कोई function है polynomial का of nth degree, then क्या जाएगा ये minus integration e की power x fx dx is equal to integration e की पावर x f x e की पावर x f x माइनस f डैश x प्लस f डबल डैश x माइनस f थ्री x एंड सो ऑन। अब इसमें माइनस वन की पावर अगर माइनस क्या आ जाएगा ये माइनस वन की पावर n f की पावर n x, देखो भाई अगर n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 1 आ जाएगी यहाँ, 1 से क्या आएगा माइनस 1, 2 रख दूंगा यहाँ n की वैल्यू 2 बार डिफरेंशियल क्या आएगा प्लस 3 बार, तो ये आ गई ही पावर एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ थर्मल डैश एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ की पावर एन एक्स डी एक्स, ये इस तरह का जो ये फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये फंक्शन आ जाएगा। इक्वल टू क्या जाता है ये एफ की पावर एन एक्स, इट मीन्स डी की पावर एन डी एक्स की पावर एन एफ ए, डी की पावर एन
डी एक्स पावर एन एफ इसका फंक्शन का ये आ जाएगा, एफ की पावर एन का फंक्शन क्या आएगा, एन बार इसका जो है डिफरेंशिएट कर दो, यही इसका आंसर आता है। अगर कोई मान लिया कि फंक्शन है एफ एक्स है, इसका एन बार ई की पावर एक्स एफ एक्स है, एन पॉलीनोमियल है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ, इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एन बार एफ एक्स, यानी एफ एक्स का एन बार डिफरेंशियली इसका वो आ जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन लगाते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस ए जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस ए अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है इसका इंटीग्रेशन, लेट एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बराबर टू ए टेन थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, लेट x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, x बराबर क्या आ गया a tan स्क्वायर थीटा, dx बराबर 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया ये sin इनवर्स x a tan थीटा स्क्वायर अपॉन a प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स ए टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों से ए कॉमन ले गया, इन दोनों से ए से एक ए से एक ए से एक कॉमन चले जाएगा, ए से एक कट जाएगा, क्या जाएगा साइन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स वन अपॉन इससे जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया थीटा आ गया, कि साइन इनवर्स साइन थीटा और डी एक्स बराबर ये चली रहा है, ये डी थीटा की मान लो, क्या मान लो यहां टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टू जो है टू ए आ जाएगा, टू ए दोनों से बाहर आ जाएगा, यहां टू ए बाहर आ जाएगा, ये यहां ये आ जाएगा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
मान ले एम फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये फॉर्मूले खाना भी थीटा sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा ये थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू, क्या आ जाएगा थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा पॉन टू, tan स्क्वायर थीटा पॉन टू, ये थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू। जैसे मान लिया फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, यह आ गया tan थीटा की टी, फिर tan स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर tan स्क्वायर थीटा बाई टू का फिर इंटीग्रेशन निकाल लूंगा, tan स्क्वायर थीटा क्या कर लिया sec स्क्वायर थीटा माइनस टू, क्या आ गया थीटा इधर फर्स्ट फॉर्मूले से थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर आ गया ये आ गया sec स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन बाई टू, sec स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू, जो sec स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा tan थीटा, और माइनस थीटा का माइनस, ये क्या आ गया थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस tan थीटा अपॉन टू माइनस माइनस प्लस वन का थीटा अपॉन टू प्लस टू, थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस थीटा tan थीटा बाई टू प्लस के सी, और ये टू आ रहा है इस टू से, ये टू कट जाएगा इस टू से, दोनों से टू कट जाएगा, ये थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस बाई टू sec स्क्वायर टू ए, क्या था ये टू ए, यहां भी क्या था टू ए टू ए, इन दोनों से बाहर क्या जाएगा ये ए, इन दोनों क्या जाएगा ए थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा मतलब थीटा, वेयर ये है ना x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या आएगा x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, और tan x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा का रूट, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट a, वेयर थीटा इक्वल टू वेयर क्या कहेंगे वेयर थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, वेयर थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, जैसे फिर एक फॉर्मूला है देखिए x बराबर इस a tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे dx बराबर a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, अब यहां क्या है x a tan स्क्वायर थीटा a प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे dx की वैल्यू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, यहां भी इसको जो है सॉल्यूशन कर देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इसका आ गया, इस तरह करते 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 क्या आ जाएगा ये थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, और फिर जो है थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यह आ जाएगी थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस थीटा प्लस सी, वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल है, लॉग लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स क्यूब वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसको अलग अलग कर दिया, क्या आ गया? लॉग लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। लोग लोग एक्स का इंटीग्रेशन प्लस के डी एक्स। अब इसको क्या मान लिया इसके, जहां कोई एक फंक्शन नहीं हो उसका क्या मान लिया? एक वन इंटू लोग भी बताया था यूनिटी है, तो यूनिटी दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। जो इंटीग्रेशन प्लस आगे क्या वन इंटीग्रेशन लॉग इंटू लॉग एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स एंड सेकंड इज विच विल लॉग लॉग एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? लॉग एक्स का लॉग लॉग एक्स का वन अपॉन लॉग एक्स, ये एक्स लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक का एक्स, क्या आएगा? एक का क्या जाएगा? एक्स। इस एक्स से एक्स जाएगा, क्या बचेगा? एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स की पावर माइनस के वन, लॉग एक्स की पावर माइनस के वन का इंटीग्रेशन। ये क्या आ जाएगा? ये आएगा वन प्लस लॉग एक्स की पावर टू डी एक्स, ये आ गया वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, क्या आ गया? वन प्लस लॉग एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, ये क्या आ गया? लॉग एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, क्या इंटीग्रेशन करते हैं इसका? इसका लॉग एक्स की पावर माइनस वन, फिर इधर वन इंटू ये क्या कर दिया है ना, इसे वन को इंटीग्रेशन मान लेते हैं, तो क्या जाएगा ये? वन का क्या जाएगा? एक्स लॉग एक्स माइनस वन, एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस वन, और लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स की पावर माइनस टू, फिर एक्स का ये क्या जाएगा? देखो एक्स लॉग, ये क्या जाएगा? एक्स लॉग लॉग एक्स क्या जाएगा? ये एक्स लॉग लॉग एक्स, एक्स लॉग लॉग एक्स ये क्या आ गया? माइनस लॉग एक्स की पावर माइनस वन, माइनस लॉग एक्स की पावर, यानी कि क्या आ गया? माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू लॉग एक्स की पावर माइनस वन माइ प्लस लॉग एक्स की पावर माइनस टू। ये क्या आ जाएगा? एक्स लॉग लॉग एक्स वन की इंटू योग, वन का क्या जाएगा? एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन माइनस एक्स का लॉग एक्स क्या जाएगा? लॉग माइनस 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 क्या आएगा? एक बार
प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा इसमें, प्लस आ जाएगा, क्या आएगा, एक बार क्या है यहाँ, एक बार तो माइनस आ जाएगी, फिर माइनस आएगा, तो फिर एक बार माइनस आएगा, तो दो बार माइनस प्लस आएगा, माइनस लॉग एक्स की पावर माइनस टू, एक्स का तो एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, एक्स से जाएगा, जाएगा प्लस लॉग एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, इससे ये जाएगा क्या गया, एक्स लॉग लॉग एक्स क्या गया, एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स, ये इसका आंसर आएगा। देखो यह वन प्लस लोग लोग एक्स प्लस लोग एक्स को अलग अलग कर दिया, इस फंक्शन में स्प्लिट कर दिया, एक फंक्शन ये रहा है, दूसरा ये रहा है, ठीक है। फिर क्या करा मैंने, इसको लोग लोग एक्स बनाने के लिए वन इंटू वन से इसकी क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी, वन से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, वन से इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ठीक है, ये तो ये क्या आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, क्या आ गया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको एडिटी रखा लोग एक्स माइनस टू डी एक्स को, फिर इसको सोल्व करके क्या आ गया, ये आ गया लोग एक्स पावर माइनस वन इंटू लोग एक्स पावर माइनस को, फिर इसे एक बार इंटीग्रेशन के वन इंटू लोग एक्स पावर माइनस वन को करा, फिर इस तरह कट जाएगा, क्या आ गया, एक्स लोग लोग एक्स माइनस एक्स लोग एक्स पावर माइनस वन सी। आई बात समझे भाई, देखो अब क्या है सवाल, ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन आ गई, ए की पावर एक्स एफ एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आता है, ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये एक फॉर्मूला है इसका, अगर कोई e की पावर x है उसका फंक्शन है फिर उसका डिफरेंशियल है दोनों का प्लस है, फॉर्मूला क्या आ जाता है, e की पावर x f x प्लस c, e की पावर f x प्लस c, एक एग्जांपल लगाते हैं इसके, जैसे log x अपॉन वन प्लस log x का स्क्वायर, log x अपॉन वन प्लस log x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, log x अपॉन वन प्लस log x का स्क्वायर, इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट लोग एक्स इज इक्वल टू टी,
log x इक्वल टू t, इसको क्या मान लूंगा, x इक्वल टू e की पावर t, तो dx इक्वल टू dx इक्वल टू e की पावर dt, तो log x इक्वल टू t, x इक्वल टू क्या आ गया e की पावर t, dx इक्वल टू e की पावर t dt। इट मीन्स वी हैव log x इक्वल टू t e की पावर t 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू dt। ये इसका इंटीग्रेशन t e की पावर t 1 प्लस t का स्क्वायर अपॉन t। इट मीन्स वी हैव दैट 1 प्लस t स्क्वायर, ये है ना 1 प्लस t स्क्वायर, यह t e की पावर t, तो सेम अटिक रखे अगर इसको, यह t t 1 प्लस t स्क्वायर है, ये जैसे इसको एलिमिनेट किसको कर देता हूँ, इधर t रजूगा दूँ, इसको कर दिया 1 प्लस t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t, ये क्या आ गया, ये ये आ जाएगा, क्या आएगा, ये लिखी लिख देते हैं, ये क्या आएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2t, 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2t, 1 का स्क्वायर, ये ठीक है, तो क्या आ गया ये t e की पावर t, क्या आ गया t e की पावर t 1 प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। अब इसको e की पावर क्या आ गया, ये e की पावर x माइनस x का स्क्वायर ही रखा फॉर्मूले में, ये देखो इसका इंटीग्रेशन रखा e की पावर x माइनस e की पावर x का स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन में रखा है, यानी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये रखा नहीं प्लस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या आ गया e की पावर x एफ एक्स, e की पावर एफ एक्स, e की पावर x एफ एक्स, एफ एक्स क्या देना है, ये e की पावर x एफ एक्स, यानी e की पावर t, e की पावर t 1 अपॉन 1 प्लस t, वेयर t इक्वल टू
और e की पावर टी की वैल्यू कितनी है x और t की वैल्यू log x, क्या आ गया e की पावर टी क्या है x आ गया x log x यानी वन अपॉन पर टी स्क्वायर पर टी स्क्वायर को इस तरह कर लेंगे लिख लेंगे तो ये सी आ जाएगा और फिर इसका जो है हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे इसको अलग अलग कर दिया जाएगा e की पावर x ये क्या आ गया e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या आ गया e की पावर f डैश e की क्या आ गया e की क्या आता है e की पावर x एफ एक्स e की पावर x एफ एक्स हो गया e की x की वैल्यू रख देंगे x वन प्लस क्या आ गया x अपॉन वन प्लस लॉग x प्लस c प्लस c आ जाएगा ये इसका आंसर आ जाएगा ये इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स एक फॉर्मूला है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स एक तो यह है e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर क्या आता है जो e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी यही आ जाएगा भाई यह है ए साइन एक्स क्या आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स क्या आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी ए साइन बी एक्स माइनस b cos bx plus c e की पावर ax अपॉन a square b square क्या होगा b sin bx ये आ जाएगा e की पावर ax sin x क्या है a sin bx फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस b cos सिमिलरली e की पावर ax a square b square x क्या आएगा बी साइन बी एक्स वही आना है बी साइन बी एक्स प्लस ए कोस बी एक्स प्लस ए कोस बी एक्स इसे आंसर इसे फॉर्मूले में रख लेंगे जहां भी कहीं भी उसको यूज कर लेंगे। जैसे एक सवाल है ई की पावर जैसे क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x e की पावर साइन इनवर्स x dx देखो भाई इंटीग्रेशन के क्या है डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्रिक लगाते हैं थोड़ा सा माइंड लगाते हैं बस क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाता है। ठीक इसमें क्या करना है e की पावर साइन इनवर्स x dx को ये किस तरह करेंगे जिस तरह मैंने उसे t मानना था लेट इसी को ही साइन इनवर्स x को क्या मान लूंगा t मान लूंगा लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t क्या मान लूंगा लेट देखो यहां मान लूंगा लेट
साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने, टी, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, देन एक्स इज इक्वल टू साइन टी, लेट एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस टी, डीटी। अब क्या कर दिया मैंने सवाल को, e की पावर साइन इनवर्स एक्स क्या कह ले, e की पावर टी, और डी एक्स क्या क्या गया, कॉस टी डी टी, ई की पावर टी कॉस टी डी टी, डी एक्स की जगह क्या आ गया, कॉस टी डी टी। यहां तक बात अब आगे कहूंगा, वही है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ई की पावर टी का माइनस कॉस टी का क्या आएगा, कॉस टी का डिफरेंशियल ये आएगा ई की पावर टी कॉस टी। अच्छा इसका करी दिखाओ, चलो इसे एक फर्स्ट फंक्शन इसे मान के सेकंड फंक्शन करके दिखाओ, इसको क्या आएगा, ई की पावर टी कॉस टी डी टी, जब कॉस का दो बार करूंगा तो यह कट जाएगा, बताओ क्या कर जाएगा, बताओ ये आ जाएगा क्या आएगा, e की पावर t अपॉन टू cos t प्लस साइन t, e की पावर t बाई टू cos t प्लस साइन t, e की वैल्यू इसमें फिर रख दूंगा, e की वैल्यू क्या है इसमें, e की पावर t, e की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू, आई एस एक्स बराबर साइन टी, तो कोस टी कहेंगे कोल जगह इसमें इंप्लाइज दैट कोस टी बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। तो e की पावर टी, टी की वैल्यू कितनी है भैया, e की पावर साइन इनवर्स एक्स, e की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू कॉस टी, टी की वैल्यू कॉस टी की वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी, साइन टी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस टी, तो क्या आ गया, ई की पावर साइन इनवर्स बाई एक्स बाई टू, ई की पावर क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये इसका आंसर आ एक क्वेश्चन है तो घर से करके लाना है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये, जैसे क्या क्वेश्चन है ये, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया, ई की पावर एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस सवाल को जो है घर से करके लाना है, कल करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो सब बच्चे इसको घर से करके लाएं, क्या इसका क्या है, डेफ इंटीग्रल लगाना है इसका, e की पावर x 2 माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर,
अब जो है कर लेंगे भैया। अब जो है नेट नेव जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले कुछ हम जो है डेफिनेशन देखेंगे पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन। एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए एन एक्स की पावर जीरो इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल ऑफ एन डिग्री, इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल ऑफ एन डिग्री वेयर एन इज पॉजिटिव, वेयर एन इज पॉजिटिव एंड ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए वन ए टू आर रियल नंबर, ए वन ए टू आर रियल नंबर, ए नॉट डिग्री। ए फंक्शन इस तरह का जो फंक्शन हो इसे क्या है, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन, इट इज कॉल्ड टू द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन। इफ ए रैशनल फंक्शन, ए फंक्शन इज इट इन द फॉर्म इफ पी अपॉन क्यू वेयर पी इज द न्यूमरेटर डी इज द डिनोमिनेटर, यानी पी इज द न्यूमरेटर पॉलीनोमियल डी क्यू इज द डिनोमिनेटर पॉलीनोमियल, इज कॉल्ड टू द रैशनल फंक्शन। एक है प्रॉपर फंक्शन, एक क्या है प्रॉपर प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ना डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन f इज इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस एन, ये इसका जो है ये फंक्शन इसका डिग्री पॉलीनोमियल ऑफ एन डिग्री कहलाएगा। प्रो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कह रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा रैशनल फ्रैक्शन इज द डिग्री रिटन द पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी इज द पॉलीनोमियल क्यू आल्सो इज द पॉलीनोमियल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो पॉलीनोमियल लिखा जाएगा वो क्या पी, इफ प्रॉपर इफ फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन में इफ न्यूमरेटर पॉलीनोमियल की पावर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन इज कॉल्ड टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ रिवर्स यानी कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलीनोमियल ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलीनोमियल इट इज कॉल्ड टू द डिनोमिनेटर। जैसे अगर ये कहीं ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच, ये अगर एक्स की पावर थ्री प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इट इज रिवर्स इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो कल सॉल्व करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑफ, ठीक, बेस्ट ऑफ लक।